दो प्रमुख विषय हैं, डीएपी खाद का वितरण और मंडियों में धान की खरीद। इसके बारे में चर्चा करने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है और ना ही कमी रहेगी। टोटल जो खाद की इस रबी सीजन की आंकड़ा है, पिछले साल 2021-22 का एस्टीमेट हमारा जो है, यूरिया की 11 लाख मीट्रिक टन की ज़रूरत होती है, जिसमें से हमारा 1 अक्टूबर को 1,36,683 मीट्रिक टन हमारे पास स्टॉक था और 27 तारीख तक इस महीने में 1,23,373 मीट्रिक टन आ चुका है। दोनों मिलाकर के 2,60,056 मीट्रिक टन यूरिया की उपलब्धता हुई है और कुल बिक्री 90,216 की हुई है। पिछले साल जो बिक्री हुई थी इसी अवधि में 66,345 की थी। लगभग 40% यूरिया ज़्यादा बिका है और हमारे पास 1,70,840 मीट्रिक टन, तो ये समझो आपको कि 33-34 लाख बोरी यूरिया उपलब्ध है अभी भी हमारे पास। डीएपी की रिक्वायरमेंट हमारे पास पिछले साल में सारी डीएपी 2,86,000 मीट्रिक टन की इस पूरे सीजन में बिक्री हुई थी। अब हमने सोचा कि इस बार ज़्यादा सरसों बोएंगे, ज़्यादा भाव अच्छा है तो उससे 3 लाख मीट्रिक टन की जरूरत पड़ेगी। 1-10 को हमारे पास स्टॉक था 53,063 मीट्रिक टन का, 27-10 तक यानी कि आज तक 85,293 इस महीने में हमारे पास डीएपी आया है। कुल दोनों मिला के हमारे पास हो गया 1,38,356 मीट्रिक टन, जिसमें से 1,10,185 मीट्रिक टन बिक्री हो चुका है, किसानों के पास जा चुका है। पिछली बार इसी अवधि में 1,03,072 मीट्रिक टन डीएपी किसानों के पास गया था, तो ये भी अंदाज़ा 7-8% किसानों के पास डीएपी ज़्यादा जा चुका है। हमारे पास 28,171 आज के दिन मीट्रिक टन उपलब्ध है। एक दो हमारी कोशिश ये रही है कि डीएपी बाहर का होता है, सुपरफास्फेट हमारे देश में बढ़ता है और उसकी उपजाऊ शक्ति इस डीएपी से बेहतर है, खासकर सरसों के लिए। इसके अंदर हम थोड़ा सा यूरिया मिला दें, थोड़ा सा सल्फर है इसमें ज़्यादा होता है, तेल की मात्रा बढ़ती है, किसानों में जागृति भी आई है। तो इस बार हमने टारगेट दिया कि 1 लाख मीट्रिक टन जो है एसएसपी भी किसानों के अंदर बांटा जाए। 62,864 मीट्रिक टन हमारे पास 1-10 को था, 13,022 मीट्रिक टन हमारे पास हो रहा है। कुल इस महीने की उपलब्धता 75,886 मीट्रिक टन हुई, जिसमें से किसानों के पास 39,975 जा चुका है, जो पिछली बार सिर्फ 13,000 बिका था, 13,380, उसके अगेंस्ट 39,000 मीट्रिक टन बिक चुका है 40,000 के आसपास, और हमारे पास अभी 36,000 के आसपास मीट्रिक टन 35,911 ये उपलब्ध है। एक होता है एनपीके, 50,000 मीट्रिक, किसानों में इसकी भी बड़ी डिमांड रहती है, सब्जियों में, आलू में और कई तरह के टमाटर में, इनमें डालते हैं ये। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 11,040 था, 9,891 हमारे पास आ चुका है, 20,937 दोनों का टोटल बनता है, 14,202 बिक्री हुई है इस महीने की, पिछले साल 2648 थी। हमारे पास 6,735 मीट्रिक टन अभी भी उपलब्ध है और इसके अलावा जो इसी महीने के अंदर 6 रैक और आने हैं, लगभग 2600 से लेकर 3900 के बीच में एक रैक आता है, तो 15,000 से 20,000 मीट्रिक टन डीएपी
हमारे पास इसी तीन चार दिन, चार दिन बचे हुए हैं, इसमें और आएगा। किसी भी तरह की हरियाणा में सारे आंकड़े आपके सामने हैं, पिछले साल से ज़्यादा तो हम बटवा चुके हैं। उसके बाद जो है हमारे पास उपलब्ध भी है, नवंबर में कुल जरूरत होती है ये डीएपी की, जरूरत सरसों वाले इलाके में तो अभी ज़रूरत है। हमारा जो इलाका है रेवाड़ी नू महेंद्रगढ़ नारनौल झज्जर हिसार सरसा भिवानी दादरी सरसों का इलाका, क्योंकि वहाँ फसल लगभग एक महीना पहले बोई जाती है, सरसों की भी गेहूँ भी पहले बोया जाता है, फिर ये डीएपी बोया जाता है इसके साथ गेहूँ की बिजाई पे। तो गेहूँ की बिजाई वैसे भी इस बार लेट है बारिश की वजह से, अभी दो दिन तीन दिन पहले भी ओलावृष्टि हुई है, कई बारिश हुई है, खेत गिले हैं, 15 नवंबर के आसपास ही इसका जोर पड़ता है। तो तब तक हमारा जो 3 लाख में से हमारे पास अभी इसी महीने में 1.5 लाख आ चुका है, अगले महीना भी दिसंबर में भी जरूरत पड़ती है 50-60 हज़ार की। हमारा टारगेट ये है कि 1 लाख मीट्रिक टन हम नवंबर में भी उपलब्ध करा देंगे किसानों को। एक 10 की मांग करी है, 1-10 की हाँ भी कर रखी है, लेकिन इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हवा खड़ा कर रखा था ये उसी तरह का हवा था जिस तरह का ये हवा था कि भाई धरती चली जाएगी, मंडी चली जाएगी, MSP खत्म हो जाएगी, और ये अफवाह फैला दी कि DAP नहीं मिलेगी। जो सरकार के खिलाफ लोग आंदोलन कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उनका अपना ध्येय है कि अव्यवस्था फैलाएं, सरकार को बदनाम करें, लेकिन मैं किसान भाइयों को पहले भी बता चुका हूं कि एक एक एकड़ के लिए यूरिया DAP सुपरफास्फेट सिंगल सुपरफास्फेट NPK हमारे पास उपलब्ध है और रहेगी। किसी भी किसान को, हरियाणा के किसान को खाद की वजह से कोई ये कहे कि मेरा एक एकड़ रह गया वंचित, वो ऐसा नहीं होने देंगे। मैं अपने सारे किसान भाइयों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, ये जो भ्रम फैला गया ये ज़रूर है कि पिछले हफ्ते में 3-4 जगह लाइनें ज़्यादा लगी, और मैं समझता हूँ लाइनें लगाना हमारा मजबूरी थी। हमारे पड़ोसी प्रदेश राजस्थान में यूरिया की कालाबाजारी है, हमारे पड़ोसी प्रदेश पंजाब में ऊंचे रेट पर बिक रहा है, और ये कालाबाजारी करने वाले लोग चाहते थे कि इनको ट्रॉली भर के हम DAP दे दें। उनको रोकने के लिए हमने अपने किसानों की जरूरत के हिसाब से 3 बोरी 4 बोरी 5 बोरी, क्योंकि आधा बोरी DAP लगता है एक सरसों के खेत में, और 90% 80% किसान जो है 3-4 एकड़ के से बड़ा नहीं है, उनको हमने दिया। उससे लाइनें लगी दिखाई दी और कालाबाजारी रोकने की पूरी कोशिश की। कल भी आज आपने न्यूज़पेपर में आया होगा कि 500 कुछ कट्टे हाँसी में एक व्यापारी से पकड़े गए हैं जिसका वो हिसाब नहीं दे पाया। कालाबाजारी करने वाले लोग जो हैं वो भ्रम फैला करके शॉर्टेज दिखा करके महंगा बेचना चाहते थे, लेकिन हमने पूरा 1200 रुपये में प्रत्येक किसान को, थोड़ा बहुत दिक्कत तो उनको हुई है, उनसे हम क्षमा याचना करते हैं, लेकिन किसी भी तरह की शॉर्टेज हरियाणा में ना DAP की होगी ना यूरिया की होगी। हमारे पास जो आंकड़ा है यह सिद्ध करता है कि पहले से 20% ज़्यादा हमारे पास यूरिया है भी, और भी आएगा, DAP भी हमारे पास 20% ज़्यादा है। किसी भी तरह की कोई कमी खाद की नहीं होने देंगे, और इस खाद की हम पहले से सक्रिय थे। मैंने केंद्र के मंत्रियों से मुलाकात की, DO लेटर लिखा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सारा संज्ञान लिया और केंद्रीय मंत्री से कह के 6 अतिरिक्त रैक भी मंगवाए ट्रेन के, और इन जिलों के अंदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों की 25, 26, 27 तीन दिन उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठा दिया कि कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो फैसला करो और यूरिया की या DAP की या खाद की कोई कालाबाजारी ना होने दें। तो मैं ये आंकड़ों से आपके सामने रख के किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि निश्चिंत होकर अपना खेत में काम करें। यूरिया और DAP सुपरफास्फेट NPK जो खाद आपको जरूरत होगी वो उपलब्ध रहेगी। इतना ही हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन आगे पीछे हो जाए, तो इसलिए विचलित ना हो, निश्चिंत होकर अपना काम करें। हरियाणा सरकार खाद की कमी नहीं रहने देगी।
दूसरा विषय आपके सामने है पैडी परचेज का। इस बार जो मौसम ने किसान को बहुत परेशान किया, हमारे विभाग को भी बहुत परेशान किया, बेमौसमी बारिश की वजह से बार बार पैडी भीगती रही। कल मैं आया हूँ सरसा से, सारा हाईवे जो है कंक्रीट का जो हाईवे है अंबाला और कुरुक्षेत्र के बीच में, एक साइड पैडी से भरी हुई है, और इसलिए कि वो सुखा लें उस पर, वहीं से मंडी एक टेम्परेरी बना रखी है, वहीं सुखा के भर के ताकि किसानों की परचेज हो जाए। और हमने इस बार 3 तारीख से परचेज शुरू की थी पैडी की, बीच बीच में बारिश आती रही, किसान भाइयों को थोड़ी बहुत दिक्कत भी हुई, उसके लिए भी हम क्षमा याचना करते हैं। और मैं दिखाना चाहता हूँ आंकड़ों के माध्यम से कि इस बार जो पैडी है 2020 में आज तक जो पैडी की अराइवल हुई थी 44.26 लाख मीट्रिक टन, उस वक्त हमने पहले शुरू की थी, इस बार लेट शुरू की एक हफ्ता, उसके बावजूद हम 44.40 लाख मीट्रिक टन अराइवल हो चुकी है, जो पिछले साल इस आज तक आई थी उतनी अराइवल मंडियों में हो चुकी है। उसमें से 43 लाख मीट्रिक टन हम खरीद चुके हैं, 36.85 लाख 85% की लिफ्टिंग हम कर चुके हैं। इससे बढ़िया व्यवस्था हो नहीं सकती कि 85% लिफ्टिंग साथ साथ हो जाए। 6,200 करोड़ रुपए की पेमेंट कर चुके हैं, पहले 15-15 महीना लगता था, अब हमने नीति बना दी कि 72 घंटे के बाद अगर किसान की पेमेंट लेट होगी तो उसको ब्याज देंगे 9%। उसका परिणाम यह है कि इस पैडी की 6,200 करोड़ रुपए की साथ साथ किसानों को पेमेंट भी जा रही है। और बासमती की अराइवल पिछली बार जो थी 8.40 लाख मीट्रिक थी, इस बार 4.68 लाख मीट्रिक टन हुई है। बासमती थोड़ा सा लेट है, बारिश की वजह से थोड़ा सा लेट हो गई है। और पिछली बार जो हमने हमारी कुल पैडी की परचेज जो थी 56 लाख मीट्रिक टन थी, जिसमें से 44.40 तो हम खर्च चुके हैं, मोटा मोटी 80% की पैडी की परचेज हो चुकी है। और अभी तो मंडी चलेगी, जब तक किसान के भाई के पैडी नहीं आ जाती हम प्रोक्योरमेंट करते रहेंगे, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, साथ साथ लिफ्टिंग करवा रहे हैं, साथ साथ पेमेंट कर रहे हैं। एक मुद्दा था बाजरा का, बाजरा का पिछली बार हमने लगभग 7.5 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा परचेज की थी, इस बार हमने भावांतर भरपाई का फैसला किया है, क्योंकि हमारे पड़ोसी प्रदेशों में बाजरा की खरीद नहीं होती, वहाँ सस्ता बिका था, वहाँ से इधर आ जाता है, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और फिर हमें बाजरा सस्ते रेट पे बेचना पड़ता है। तो इस बार हमने फैसला किया, जिस दिन हमने फैसला लिया उस दिन बाजरे का रेट 1650 रुपये था, और 600 रुपये डाल के 2250 रुपये MSP का रेट था हो जाता था। सारी ज़मीन की मैपिंग कराई, किसान को ना जे फार्म दिखाना, ना कहीं फार्म भरना, ना कहीं अप्लीकेशन देनी, डायरेक्ट हमने अपने आप मैपिंग करा करके किसानों के खाते में 4200 रुपये से लेकर के 6000 रुपये तक सीधा डालना शुरू कर दिया। आज तक हम 236 करोड़ रुपये किसानों के खाते में डाल चुके हैं। किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं, चिंता ना करो, आपका जिस तरह से हमारी सरकार के अंदर कपास 8,500-9,000 रुपये बिक रही है, सरसों 7,500-8,000 रुपये बिक रही है, हर फसल के भाव MSP से ऊपर है, बाजरा भी आप थोड़ा सा हौसला रखो, आपका 1700-1800-1900 रुपये में बिकेगा, 600 रुपये हम देंगे आपको, MSP से ज़्यादा के रेट मिलेंगे, गुमराह होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और हमने मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, किसी मंडी में अगर लगता है कि 1650 से नीचे भाव जाता है तो एफेड को आदेश दिए हैं कि आप जाके खरीद शुरू कर दो, जो हमें PDS के लिए बाजरा चाहिए उसको खरीदेंगे। और आप पता कर सकते हो सारे पत्रकार भाई, बाजरा के NCDX एक वो है फॉरवर्ड मार्केटिंग का पोर्टल है, जिसमें खरीद फरोख्त होती रहती है, कभी भी उसमें 1600 रुपये से नीचे बाजरा नहीं आया। ये एक ट्राली ला करके या एक खराब बाजरा 1200-1300 बेच के गुमराह करना चाहते हैं विपक्षी पार्टी वाले, किसान इसमें नहीं है, किसान को हमारी नीतियों पर पूरा भरोसा है। किसान कहता है
कि ये जो फैसला किया है ये किसान का हित का है, और ये जो फैसला किया है इससे कालाबाजारी करने वालों की कमर टूट गई है, आगे से जो किसान का हक को खा जाते थे ऐसे लोगों को सही चपत लगाई है, और किसान को 450 करोड़ रुपया, जिसमें से 236 करोड़ रुपया डल भी चुका है, किसान को सही वक्त पर बगैर मंडी में जाए अपने घर में बैठ रखे पैसा मिल गया है, उसको खाद चाहिए, उसको बीज चाहिए, उसको जुताई करनी है गेहूं की सरसों की, उसके लिए उसके पास पूंजी उपलब्ध हो गई है। तो हम बिल्कुल किसानों की सेवा के लिए लगे हुए हैं, और मैं फिर एक बार आश्वस्त करता हूं किसान भाइयों से कि अपनी अगली फसल की तैयारी करें, आपको अच्छी मंडियां देंगे, अच्छे भाव देंगे, नई नई स्कीम लेके आएंगे, जिस तरह से भावांतर भरपाई की स्कीम हम लेके आए फसलों के लिए, इसके बाजरा के लिए, सब्जियों के लिए पहले लेके आए हैं, सब्जी का फसल बीमा लेके आए हैं, पशुधन का पशुधन क्रेडिट कार्ड लेके आए हैं, और तरह तरह की स्कीम हम ले करके, हमारी मकसद ये है कि किसान सक्षम हो। और कल भी मैं फार्मर के यहाँ गया था, सरसा में था, मैं 2 दिन इलाहाबाद में रहा, तो भट्टू इलाके के अंदर एक फार्मर के पास गया, नौजवान लड़के ने कहा जी 2.5 एकड़ के अंदर मैंने, तेरा पहला साल है खाड़ी ज़मीन में जिसमें 20,000 रुपये की साल की आमदनी नहीं होती थी, उसमें उसने 15 लाख रुपये कमाए हैं। ये है किसान को आगे बढ़ाने का तरीका। इस तरह से हमारा लक्ष्य है कि हज़ारों किसान हम तैयार करेंगे, और हज़ारों किसानों के बच्चों को जो रोज़गार की तलाश में भटक रहे हैं उनको लोन भी दिलवाएंगे, उनको सब्सिडी भी दिलवाएंगे, उनको ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे, और उनको करोड़पति गांव में बैठे बैठे बनाएंगे। धन्यवाद।